चलिए। ओ भाई क्या पंच है भाई, इसमें तो मैं उड़ जाऊंगा। भाई नेक्स्ट लेवल। ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष वर्मा और एक्सरस पे आए हैं एक और सुपर बाइक लेके। तो ये है स्ट्रीट ट्रिपल, जो लोग जानते हैं तो जानते होंगे भाई इसके बारे में कि क्या मॉन्स्टर बाइक है। ये इनलाइन 3 इसमें इंजन आता है, कुछ इस टाइप का इसका कंसोल आता है। तो इसे चलाएँगे थोड़ी देर में, फिर देखते हैं इसकी पावर। भाई साहब सो यार अभी मैं चला रहा हूँ स्ट्रीट ट्रिपल और इसका भी फर्स्ट गियर चैलेंज करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी सुपर बाइक्स हैं यहाँ पे। तो एक और आयुष वर्मा भाई, बड़े भाई, जो कि चला रहे हैं MB एस्ताना और साथ में चल रहे हैं RN भाई CVR 650R लेके, और मैं स्ट्रीट ट्रिपल लेके। ओके तो सबसे पहले वो लोग भगाएंगे, पीछे पीछे हम चलेंगे। ओ भाई, और मेरे पैरेलल चल रही है बेनेली। चलिए भाई, इसमें तो मैं उड़ जाऊंगा। भाई 160 ये कोई और चीज है भाई। भाई साहब चलो निकले वो लोग भी, अब हम लोग चलते हैं। भाई साहब बहुत भयंकर विंड ब्लास्ट लग रहा है इसमें, बहुत ज्यादा विंड ब्लास्ट लग रहा है। मैं जब बेनेली चला रहा था मेरे प्रीवियस व्लॉग में तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी यार, पर इसमें ऐसा सेटअप, इसका लाइट्स का सेटअप है कि सामने विंड स्क्रीन कुछ भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा यार विंड ब्लास्ट लगता है। हालांकि पिकअप भाई नेक्स्ट लेवल है, मुझे लिटरली पकड़ के रखना पड़ रहा है बाइक को कि मैं पीछे ना उड़ जाऊं। नेक्स्ट लेवल भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। और अभी मैं सिर्फ 4th गियर में चल रहा हूँ। हाँ, तो मुझे इसका फर्स्ट गियर चैलेंज भी करना था, तो फर्स्ट गियर चैलेंज करता हूँ इसका यहाँ से। तो फर्स्ट गियर में बाइक लग गई, अब खींचते इसे। तो ये बाइक जाती है फर्स्ट गियर में 110 किलोमीटर पर आवर। CVR मैंने चलाई थी, वो भी 108 से 109 गई थी, तो सेम वही चीज़ है, 110 ये जाती है। तो काफ़ी सही है यार फर्स्ट गियर के हिसाब से। और यहाँ पे भैया लोग कुछ बात कर रहे हैं, मैं निकलता हूँ आगे। भाई साहब बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट है। और अगर इसकी यार ब्रेकिंग की बात करूँ तो मुझे पिछला ब्रेक थोड़ा सॉफ्ट साइड में लग रहा है, मतलब इतना ढंग से नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो और अगला ब्रेक तो यार बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब अगर आप बहुत हल्का सा भी अगर थोड़ा तेज़ मार दिए तो आपका स्टॉप ही लगना पक्का है। बट पिछला ब्रेक मुझे उतना खास नहीं लगा। बाकी इस तरफ देखें तो यार इंडिकेटर वगैरह आता है, इंडिकेटर, और ये इन्फो बटन है, इससे आप इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। इतना मुझे देखा नहीं है, मैंने सब मैनुअल नहीं पढ़ा है। बाकी आगे इधर हाई बीम लो बीम है, यहाँ पे हॉर्न है और यहाँ पे मोड का बटन है। तो मोड देखते हैं यार कहाँ से आता है। तो यार यहाँ पे रेन मोड लिख के आ रहा है और रोड मोड लिखा हुआ है। अभी रेन मोड लगा है और रेन और रोड मोड दो ही इसमें मोड्स आते हैं। और एक बार चलते चलते मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ वाइजर खोल के। भाई नेक्स्ट लेवल। और जब आरपीएम 10,000 के ऊपर चले जाता है तो यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट चल जाती है। मैं दिखाता हूँ कुछ इस टाइप का। तो चलते हैं थोड़ा, फिर से खींचते हैं इसे। ओ भाई 200 ही ऐसे कर रही है जैसे इसके लिए कुछ हो ही ना। इनलाइन 3 भी भाई नेक्स्ट लेवल है। मैं पहली बार इनलाइन 3 बाइक चला रहा हूँ। मुझे लगता था यार इनलाइन 3 या इनलाइन 4 के बराबर यार कैसी होगी, बट ये इनलाइन 4 को टक्कर भी दे सकती है, ऐसी चीज़ है ये। और यार इसके भी स्पेसिफिकेशंस मैं सीधे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यार स्पेसिफिकेशंस बताने में लोग, मतलब सुनने में लोग बोर होने लगते हैं, इसीलिए मैं स्पेसिफिकेशंस वगैरह नहीं बता रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पे सारे स्पेसिफिकेशंस में लिखे होंगे, कितने सीसी की बाइक है, कितना क्या है, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये गई भाई सुपर बाइक्स। हम पीछे क्यों रहे, हम भी आ रहे हैं। ये 170 180 चुटकियों में जा रही है यार। स्लो करके फिर यार इसका डिसएडवांटेज बताता हूँ, जो कि मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ फेस की है। तो यार इस चीज़ पे आप 200 किलोमीटर के ऊपर आप बाइक नहीं चला पाएंगे। रीज़न ये है कि विंडस्क्रीन नहीं है इसमें, तो जितनी भी हवा लगती है ना सीधे आपके चेस्ट पे लगती है, मुँह पे लगती है, बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट लगता है। तो ये चीज़ 200 के ऊपर चलाने वाली नहीं है। बाकी पिकअप भाई नेक्स्ट लेवल है, 5th गियर में है। ये देखिए उठ रही है, ये देखिए। ओहो, तो भाई साहब ये रहा स्ट्रीट ट्रिपल का राइड रिव्यू। और यहाँ से मुड़ना है राइट में। कोई है तो नहीं, कोई नहीं है। तो यार एक्सप्रेसवे पे जब भी आते हैं आपको पता है सुपर बाइक्स वगैरह लेके आते हैं। तो वीडियो यार यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो कमेंट में कूद पड़िएगा, पूछिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।